देखिए सांभर बनाने के लिए सांभर बनाने जा रहे हैं। सांभर के लिए ले लिए हैं कोहरा, देखिए 500 ग्राम कोहरा ले लिए हैं, दो टमाटर ले लिए हैं, एक बैंगन ले लिए हैं और ये अरहर का दाल ले लिए हैं, इसको बिंगो लिए हैं और इमली ले लिए हैं, फूलने के लिए इसको डाल दिए इमली को। और मसाला लिए हैं, देखिए ये है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये है सब्जी मसाला, ये नमक, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये सांभर मसाला। देखिए कैसे बनाया जाता है, आप लोग को बना कर बताते हैं। थोड़ा सा उबाल डालेंगे, डालेंगे फोरन, मिर्च डाल देंगे, खड़ा एक मिर्च, दो तेज पत्ता डाल देंगे, इसमें हम डालेंगे मसाला। देखिए सारा मसाला तैयार कर लिया है, ये कश्मीरी मिर्च,
लाल पाउडर, ये है नमक, ये है सब्जी मसाला, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्च, ये है सांभर मसाला। ये सारे मसाले को हम इसमें मिला देंगे। चुंगी को बिंगो लिए थे, चुंगी फूल चलता है, इसको हम छान देंगे इमली का पानी को। फ्राई होकर रेडी हो गया है, इसमें हम आप डालेंगे इमली का पानी। दो गिलास पानी डालेंगे, कम पानी में इसको सिझाना, ज़्यादा पानी डाल देने से दाल नहीं गलता है। जब गल जाएगा उसके बाद पानी और डालेंगे। देखिए इस तरीके से देखते हैं सांभर तैयार हुए कि नहीं, सीने के नहीं। देखते हैं, 5-6 सीटी लगा लिए थे। दाल सीज गया है और कद्दू भी सीज गया है, तो हम से मिक्स कर लेते हैं। चौक लगाएंगे सरसों और मिर्ची से।
के साथ बनकर तैयार हो रही है। इसको चावल के साथ खाइए, इडली के साथ खाइए, डोसा के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं। देखिए सांभर बनकर तैयार हो गया। इसको चावल के साथ खाइए, इडली के साथ खा सकते हैं, डोसा के साथ खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है और आप लोग बना के देखिएगा।